हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइनो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री कोर्स के एग्ज़ाम असाइनमेंट और उसकी तैयारी के बारे में डिस्कस करेंगे और इनसे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसको डिटेल में समझेंगे। थोड़ी वीडियो लेंथी होगी बट बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली सभी एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें एमए हिस्ट्री कोर्स के अंदर में बदलाव हुआ पिछले साल, क्या बदलाव हुआ? तो जो एमए हिस्ट्री का कोर्स पहले एनुअल मोड के अंदर में हम स्टडी करते थे, उसको सेमेस्टर मोड में चेंज कर दिया गया। सेमेस्टर मोड में चेंज करने के कारण से एमए हिस्ट्री के कोर्स का जो सिलेबस था उसके अंदर में चेंजेस हुए। जो बुक बहुत ज़्यादा लेंथी थे उसको दो पार्ट में बांट दिया गया। ठीक है, ये कुछ इंपैक्ट हमें एमए हिस्ट्री कोर्स के अंदर में देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ अब यहाँ पे ये देखते हैं हम कि जो एमए हिस्ट्री कोर्स का जो असाइनमेंट है जिसका लास्ट डेट सबमिट करने का एंड ऑफ द अप्रैल है, ठीक है, 30 अप्रैल तक आप अपना असाइनमेंट जाके सबमिट कर सकते हो। ऐसे आप नॉर्मली देखोगे किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी स्ट्रीम का जो असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट होता है वो 31 मार्च होता है और उसको एक्सटेंड करके बाद में बढ़ाया जाता है। पर एमए हिस्ट्री कोर्स के अंदर में ऑलरेडी 31 अप्रैल दिया गया, एक महीना बढ़ाकर दिया गया। इसका रीजनिंग क्या था कि नया सिलेबस था, नए बुक्स थे जो अवेलेबल नहीं था मार्केट के अंदर में, उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण से एक महीना एक्स्ट्रा दिया गया कि अगर लेट भी होता है तो एक महीने बाद भी, मतलब बच्चों के पास एक महीना एक्स्ट्रा होगा जिसमें वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर पाएंगे। हमारा दाइनअप का एक ग्रुप है जिसके अंदर में मैंने कुछ समय पहले देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, ठीक है, कि सर अभी तक हमें बुक पूरे रिसीव नहीं हुए हैं, सिर्फ 2 बुक रिसीव हुए, सिर्फ 3 बुक रिसीव हुए हैं। और आई होप सो जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ये प्रॉब्लम होगी जिनको बुक नहीं मिला होगा पूरा। तो सबसे पहले बुक के बारे में ही बात करें, जब हमारे पास बुक ही पूरा नहीं है तो हम असाइनमेंट कहाँ से सबमिट करेंगे और क्या लिखेंगे और कहाँ से लिख सकते हैं? देखो, पब्लिक डोमेन में ना बहुत सारे सॉल्व कॉपी ऑलरेडी इधर से उधर वायरल हो रहे हैं, तो आप वहाँ से उठाकर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इग्नू के अंदर में सब एक्सेप्टेबल है, ठीक है, वो सिर्फ नाम मात्र का चीज़ें चलती हैं, बाकी सब एक्सेप्टेबल है, आप वहाँ से लिख सकते हो। बट एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो खुद तैयारी कर रहा है, खुद प्रॉपर तरीके से लिख रहा है, ठीक है, उससे बेनिफिट ये रहता है कि उसका खुद का भी नॉलेज गेन होता है। आप किसी का देखा लिखा हुआ देख कर लिख दोगे तो उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है मेरे लिए। तो जो स्टूडेंट हुए हैं कि यार मुझे तो अपने आप ही करना है जिससे मेरे खुद की नॉलेज भी गेन हो, मैं आगे एग्जाम में भी हेल्पफुल रहे मेरे लिए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई बुक नहीं है। और पब्लिक डोमेन में, मतलब जो आप मार्केट से भी जाके सोचोगे कि खरीद के ले आऊँ कोई बुक जो सेम इसी की तरह हो या मतलब कोई हेल्प मटेरियल हो, वो भी अवेलेबल नहीं है जिससे आप उसकी असाइनमेंट लिख सको अपनी, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जिन स्टूडेंट का बुक अभी तक नहीं आया है तो जो भी उनका रीजनल सेंटर पड़ता है वहाँ पे जाकर वो अपना इंक्वायरी कर सकते हैं कि बुक कब तक आएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का जब मैंने इंक्वायरी किया तो पता चला दिल्ली के साकेत जो मैदानगढ़ी जहाँ पे पूरा बुक का हेड ऑफिस है, इग्नू का हेड ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पे उनकी बुक आ रखी थी, तो वहाँ से जाके लेकर आना था, मतलब खुद ही जाकर सेल्फ पिकअप का ऑप्शन था, वहाँ से जाके लेकर आना था, कुरियर के थ्रू नहीं पहुँचने वाला था तो उसके लिए ऑप्शन था वहाँ से जाके लेकर आना था, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये इस वेट में बैठे हुए हैं कि यार अभी तो आएगा बुक, कुरियर हो जाएगा, हर बार कुरियर नहीं होता है, हर बार कुरियर के थ्रू नहीं पहुंचता है, तो आपको जाकर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक रहेगा आपके लिए ऑप्शन कि जाके लेकर आ जाओ, असाइनमेंट के लिए भी टाइम है, लिख लो। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कमेंट करते कि असाइनमेंट की सबमिशन की डेट बढ़ेगी आगे। देखो, अभी असाइनमेंट की सबमिशन की डेट आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी किसी को आइडिया नहीं है, बट नॉर्मली इग्नू के अंदर में 2-3 बार बढ़ता है। बट आप उस वेट में मत बैठे रहो कि असाइनमेंट की डेट बढ़ेगी तब हम सबमिट करेंगे, ठीक है। अगर आप सबमिट नहीं करते हो और छोड़ देते हो कि चलो छोड़ो अगले सेशन में कर देंगे, तो अगले सेशन के अंदर में जो नया असाइनमेंट आ जाएगा ना, आप जून के स्टूडेंट हो तो जून का जो नया असाइनमेंट आएगा आपको उसको बनाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो पुराना बना के रखा हुआ है ना, ठीक है, 2023 वाला असाइनमेंट वो जाकर आप सबमिट कर दोगे 2024 जून के अंदर में, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको नया असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, बात बराबरी पड़ जाएगी आपके लिए। तो उसके लिए बेटर ये है कि आप अभी ही असाइनमेंट कोशिश करें बनाकर सबमिट कर दें, ठीक है। पब्लिक डोमेन के अंदर में बहुत सारी सॉल्व कॉपी वायरल हो रही है, वहाँ से भी आप उठाकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छी तैयारी करना चाहते हो, तो सेल्फ से मतलब लिखने की कोशिश करो, अपने आप थोड़ा सा करो, ठीक है, अपना फर्ट लगाओ, जिससे आपका एक अच्छा सा मतलब बेस भी बनेगा और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी आएंगे। पहली चीज़ ये, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे असाइनमेंट के रिगार्डिंग में कि सर मेरे जैसे 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सिलेबस चेंज हुआ, ठीक है, सेमेस्टर मोड में हो गया, सेमेस्टर मोड में होने के कारण से एक ईयर में 2 सेमेस्टर पढ़ने हैं आपको, सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड, और पर सेमेस्टर 3-3 सब्जेक्ट आपको स्टडी करना है, ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट में 3 सब्जेक्ट है, सेमेस्टर सेकंड में 3 सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट थे, उनका क्वेश्चन ये था कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 3 सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट जमा कर दूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का मैं एग्ज़ाम दे दूँ, सेकंड सेमेस्टर का मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहता। तो बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक सब्जेक्ट का भी जाकर एग्ज़ाम दे सकते हो और एक एग्जाम मतलब एक आप असाइनमेंट भी सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट
सब कुछ आपको आज नहीं तो कल आपको सब कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको कल भी सबमिट करना है, आज भी सबमिट करना है। अगर आप कैपेबल हो कि आज आप सबमिट कर सकते हो तो आज ही जाओ, बेटर है आपके लिए, ठीक है। कल पे मत छोड़ो, कल पे मतलब नेक्स्ट सेशन के लिए मत छोड़ो। नेक्स्ट सेशन के अंदर में मान लो कुछ चीज़ें परिवर्तित होंगी, क्वेश्चन पेपर में बदलाव होगा असाइनमेंट के, आपको दूसरा असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आप बना रखे हो तो जाकर सबमिट करो, सबसे मेन चीज़। दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हो, मान लो आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो तीन ही करूँ, तीन ही एग्ज़ाम दूँ, ठीक है, तो वो आज नहीं कल तो आपको एग्ज़ाम देना ही है ना, ठीक है। अगर ये सोच के चल रहे हो कि मैं सिर्फ अभी तीन ही पढ़ता हूँ और बाद में और अच्छे से पढ़कर नंबर अच्छे आ जाएंगे, तो अगर ऐसा माइंड में स्ट्रैटेजी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको अपना अफोर्ड देना पड़ेगा, बट टोटल जो सब्जेक्ट है चार सेमेस्टर आपके 2 साल के अंदर में वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनकर आता है कि सर फॉर एग्जांपल मैंने अभी 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे दिए, बाकी जो 3 रह जाएंगे मेरे सेकेंड सेमेस्टर के, उसका एग्ज़ाम मैं कब दे सकता हूँ? तो आप जैसे ही जनवरी सेशन का एग्ज़ाम होगा ना दिसंबर में, तब आप उस समय भी उनका एग्ज़ाम अपेयर कर सकते हो, उस समय एग्ज़ाम दे सकते हो। प्रोसेस क्या रहेगा? तो नॉर्मली इग्नू का जो एग्जामिनेशन फॉर्म निकलता है उसको फिल करना है और उसके बेसिस पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो, असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। अगर आप इस सेशन में असाइनमेंट नहीं सबमिट करोगे ना, तो जो अगला सेशन आएगा ना उसके जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसके बेसिस पे ही आपको असाइनमेंट अपना सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आता है। अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में। अब इग्नू का जो एग्ज़ाम है, जैसे कि एमए हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एनुअल मोड के भी हैं, जिनका पुराना सिलेबस ही स्टडी कर रहे हैं, जिसके पास साल में एक ही बार एग्ज़ाम होना है और कम सब्जेक्ट है, तो उनके लिए ज़्यादा बर्डन की बात नहीं है। रीज़न ये कि उनकी जो पुरानी सिलेबस की बुक्स हैं वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, इग्नू की साइट्स पर अवेलेबल हैं, और उनकी सॉफ्ट कॉपी या फिर आप बात करो जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की कॉपी होता है वो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो वहाँ से वो स्टडी कर सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं तो उससे भी स्टडी कर सकते हैं। पर जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हैं उनकी मटेरियल ना यूट्यूब पर आपको ज़्यादातर मिलेगा ना कहीं और मिलेगा। और मैंने भी पिछले 3-4 महीनों से कुछ एक भी वीडियो डाला नहीं, आपको रीज़न शायद पता होगा कि हम कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। हम धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने की, जिससे हम वीडियोस को बना सकें, ठीक है। अगर आपकी हेल्प रही तो हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर पाएंगे और आपकी ज़्यादा ज़्यादा मदद कर पाएंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, दैनब को आप हेल्प करना चाहते हो, तो नीचे आप देख सकते हो नंबर एक दिया हुआ है, आप वहाँ पर UPI की मदद से हमें कुछ पेमेंट कर सकते हो, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगी और हम आगे बढ़ पाएंगे आपके साथ में और वीडियोज़ भी बना पाएंगे, आपकी हेल्प कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करें तो जो नए सिलेबस के स्टूडेंट हैं, जिनका सिलेबस चेंज हुआ, जो एमए हिस्ट्री सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट हैं, तो उनकी ज़्यादातर चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं है, ना बुक्स अवेलेबल हैं, ना कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल है, ना यूट्यूब पे वीडियोस हैं, ना कोई नोट्स है, तब वो स्टडी कहाँ से करें, क्या कर सकते हैं? देखो कुछ चीज़ें मैं आपको ना, ये जो हमारा दैनब का ब्लॉगर पेज है जहाँ पे सिलेबस आपको मिल जाएगा, अगर आपके वो सिलेबस नहीं पता एम हिस्ट्री का क्या सिलेबस है सेमेस्टर मोड का, तो वो मैं सिलेबस आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ और बुक्स के डिटेल भी दे देता हूँ। देखो सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर में 3 बुक हैं आपकी, MHI 101, MHI 104 और MHI 105। ये तीनों बुक सेम बुक हैं जो आपके एनुअल मोड के जो स्टूडेंट हैं ओल्ड सिलेबस वाले उनकी तरह बुक हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज क्या हुआ कि जो MHI 105 है उसके अंदर में उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। पहला पार्ट हो गया अर्लियर से लेकर 1700 CE तक का, यहाँ पर पूरा पार्ट आ जाता है। दूसरा पार्ट यहाँ पर आ जाता है कि 1700 से लेकर 2000 सन 2000 तक का पूरा टाइम पीरियड हम यहाँ पर कवर करते हैं, तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, तो आप अगर टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, कोई प्राइवेट एप्लीकेशन की बुक्स नहीं है या कोई सोर्स ऑफ मटेरियल नहीं है स्टडी करने के लिए, तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप इन बुकों के थ्रू जो पुरानी वीडियोज़ थी, जो पुरानी बुक्स से उनको स्टडी कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले इंडियन इकोनॉमिक के अंदर में आप पढ़ रहे थे कि मुगलों या फिर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कैसे धन निकासी किया, और अचानक से आप पढ़ रहे हो कि कैसे अपना कुछ और हो रहा है, तो वो चीज़ें नहीं है। चीज़ें वही हैं जो आपको पढ़ने के लिए मिला था पहले, वही पढ़ना है, बट उसको पार्ट्स में बांट दिया गया है, ठीक है। कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए, नए टॉपिक्स इसमें ऐड हुए, तो जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया द एजेस की बात करोगे, तो स्टार्टिंग से आरंभिक काल से क्या क्या परिवर्तन आया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर में, जो राजनीतिक संरचनाएं हैं उसके अंदर में किस तरह से बदलाव आया। तो पहले की बुक्स के अंदर में हम मुगलों का दबाव ज़्यादातर पढ़ते थे, ठीक है, मुगलों का दबदबा था, हर जो टॉपिक थे ना, जितने भी टॉपिक्स थे उसके अंदर में मुगलों का दबदबा आपको पढ़ने के लिए मिलता था, इस्लामिक डोमेन आपको देखने के लिए मिलता था। अब उसको कम करने के लिए क्या किया गया, जो मराठाओं का जो पूरा जो एक दौर रहा उसके बारे में बात किया जाता है, ठीक है, राजपूतों के दौर के बारे में बात किया जाता है, जो कहीं ना कहीं दबा दिया गया था,
ठीक है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। तो अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसके थ्रू इनको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, जिससे आप अपने हिस्ट्री से अवगत हो सको, जान सको उसको। तो यहाँ पे कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं और इसका जो पूरा सिलेबस है MHI 104 का, तो सजेशन तो मैं यही करूँगा कि एक एक चैप्टर को पहले पुराने वाले सिलेबस से पढ़ो, ठीक है, जो सिमिलर है उसको स्टडी करो, और उसके बाद में कुछ नया टॉपिक आपको दिख रहा है तो उसके लिए बेटर ये है कि आप क्या करो कि उन टॉपिक्स को YouTube पे सर्च कर लो डायरेक्टली, जैसे मराठाओं का टॉपिक हुआ, राजपूतों का टॉपिक हुआ, ठीक है, इनको डायरेक्टली आप सर्च कर लो, जिससे आपको बेटर हेल्प मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। MHI 101 की ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, पूरा मतलब ऑलमोस्ट कवर है, तो आप उसको वहाँ से हेल्प मिल जाएगा। और पुरानी वाली बुक जो थी और नई वाली बुक थी उसके अंदर में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, तो वहाँ से भी आप उसको कैरी आउट कर सकते हो, वहाँ से स्टडी कर सकते हो। MHI 105 का भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें मॉडर्न वर्ल्ड की, तो सेकंड सेमेस्टर और आपका ओल्ड सिलेबस दोनों सेम है। मॉडर्न वर्ल्ड उसके अंदर में भी पढ़ना था आधुनिक विश्व के अंदर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे, ठीक है, और अभी भी वही चीज़ें पढ़नी है। उसके अंदर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात रही, इम्पैक्ट ऑफ वॉर की बात रही, ठीक है, तो वो सब कुछ पढ़ोगे आप, रोल ऑफ इंडिया की बात रही, तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा आपको मॉडर्न वर्ल्ड के बुक के अंदर में। MHI 106 ये वाला सेम आपका पुराने सिलेबस की जैसा ही है, जिसके अंदर में आप सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो, जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ा आपने कि किस तरह से पॉलिटिकल के अंदर में, राजनीतिक संरचनाओं के अंदर में किस तरह से बदलाव आया इंडिया के अंदर में, ये आपने पढ़ा। सेम इसका अपडेटेड वर्जन मान सकते हो, सोशल स्ट्रक्चर जो सामाजिक संरचना है, समाज के अंदर में मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हो, और किस तरीके से हम परिवर्तन लाते हैं, किस तरह से इम्पैक्ट दिखता है हमें समाज के अंदर में, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये वाला बुक भी आपका ओल्ड सिलेबस का ही है, इसको आप यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हो। तो अब देखो, नॉर्मल हमने 6 बुकों के बारे में बात किया, MHI 101 से लेकर MHI 107 तक का। इसके अंदर में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई चीज़ करने की ज़रूरत है कि सर आपने तो ये वीडियो नहीं करवाया, ठीक है, तो जिन वीडियो नहीं बनी हुई है तो भी आप इसको स्टडी कर सकते हो इजीली, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो पुराने सिलेबस की वीडियोज़ है वो बनी हुई हैं। MHI 101 और MHI 01 उसकी वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से जाके देख सकते हो, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। MHI 104 जो पहले MHI 04 था उसकी वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। MHI 105 की वीडियोस डली हुई हैं और इन वीडियोस को देखने के लिए नॉर्मली क्या है, आप जाइए हमारे दैनब के यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट के अंदर में जाइए और हर प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करके देखिए, और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि टॉपिक समझ में नहीं आएगा या कुछ और, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी टॉपिक को जो बुक पर स्टडी कर रहे हो ना, लास्ट अब जो 2 महीने बचे हुए हैं आपके, 1 महीने बचे हुए हैं, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली क्या करो, हमारे ग्रुप में जाओ, दैनब आपके व्हाट्सअप ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं कर रखा तो आप कमेंट करना, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के बाद अपने टॉपिक का नाम मुझे टैग करके डालो, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो लेकर आऊं, जिससे आपको मैं क्लियरिफाई कर सकूं कि टॉपिक क्या है, किस तरीके से इसके अंदर में मूव ऑन हो रहा है टॉपिक के अंदर में, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है, समझ में आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, 6 बुक के बारे में हमने बात किया और आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, और मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि इन बुक्स के अंदर में जो चीज़ें चेंज हुई हैं और जो चीज़ें जिनके ऊपर वीडियो हम बना सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस में बना के लेकर आऊँ आपके लिए, जिससे आपको हेल्प मिले आपके एग्जाम में और अच्छे नंबर आपके बन सके। एक चीज़ और यहाँ पे बताऊंगा, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट है आपका 22 अप्रैल है, ठीक है, 22 अप्रैल 6 बजे तक आप विदाउट लेट फी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अगर आप वेट कर रहे हो कि यार अभी 22 अप्रैल में तो बहुत टाइम है, आज तो 9 ही तारीख है, अभी तो 10 12 13 दिन बाकी है, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो आप गलतफहमी में हो, क्योंकि हर एक जो मतलब आप एग्जामिनेशन सेंटर होता है उसकी कैपेसिटी होती है, सिटिंग कैपेसिटी होती है कि यहाँ पे सिर्फ 100 बच्चे बैठ सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 150 बच्चे बैठ सकते हैं या 70 बच्चे बैठ सकते हैं, और आप लेट हो गए, अगर मान लो नियर बाई में जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, अगर आप उसके लिए लेट हो जाते हो, आप वहाँ पे फेम फॉर्म लेट फिल करते हो, तो आपका जो भी दूर का होगा ना सेंटर या नियर बाई में जो भी खाली होगा ना सेंटर, वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं सजेशन ये दूंगा कि आप फटाफट अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दें, जिससे आप एग्ज़ाम टाइम पर दे सके, पहली चीज़ ये है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जैसे ये एग्जामिनेशन फॉर्म तो आपको भरना ही भरना है, एग्जामिनेशन फॉर्म फटाफट भर दे, और एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फीस होगी पर सब्जेक्ट 200 रुपये के हिसाब से लगेगा, और अगर आप लेट फी का इंतज़ार कर रहे हो कि चलो कोई नहीं लेट फी के साथ भर देंगे, तो 23 अप्रैल से लेकर 25 मई तक के लिए आपके पास टाइम रहेगा लेट फी के साथ में भरने के लिए, जिसमें आपका लेट फी ज़्यादा नहीं मात्र 1100 रुपये ही लगेगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1100 रुपये लगने वाला है, आपको लेट फी सबमिट करना पड़ेगा 1100 रुपये प्लस में आपको 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से फिर आप एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है। और एग्ज़ाम देने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरना बेहद ज़रूरी है, जितने सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देना चाहते हो उतने सब्जेक्ट को आप मेंशन करके एग्ज़ाम भर सकते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती इग्नू के अंदर में, सबसे प्लस पॉइंट है यही इग्नू का,
यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगा। अगर आपके माइंड में कोई सजेशन हो हमारे लिए, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। और रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आप चाहते हो कि वीडियो हमारी कंटिन्यू आए, तो दाइन अप को आप हेल्प कर सकते हो यूपीआई पे करके, ठीक है। जो भी आपका हेल्प बनता है वो एक्सेप्टेबल होगा हमारे लिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आभार फीलम करेंगे जिन स्टूडेंट्स ने हमें पीछे मदद करी, उन सभी को थैंक यू सो मच, जिन स्टूडेंट्स ने हमें पे किया, जिन स्टूडेंट्स ने हमें हेल्प करी, और जो भी स्टूडेंट्स आगे करने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और एक खुशखबरी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और भी रहेंगी, पहले द इनअप के ऊपर में जो आपकी लास्ट 5 के क्वेश्चन नंबर की वीडियोज़ होती थी वो मेंबरशिप के थ्रू चलती थी, अब हम उन मेंबरशिप्स को हटाने वाले हैं, तो आप विदाउट मेंबरशिप के भी वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो हम एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।